दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। लौंग बहुत अच्छी दवा है। अब लौंग का नाम याद आया तो आपको बताता हूं, ये इतनी बढ़िया चीज है, ये तो कई बार कफ की हर बीमारी में काम आती है, लौंग तो आप जानते हैं, लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उपयोग किया है और इतने बढ़िया परिणाम है, आप सबको बताना। ऐसे कोई भी भाई पुरुष जिनके वीर में शुक्राणु नहीं बनते, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। उनको लौंग का पानी कहो रोज पिए, और एक लौंग का तेल भी आता है बाजार में, तो एक बूंद लौंग का तेल एक चम्मच गर्म पानी में डाल के रोज पिए, तो इतने शुक्राणु बनते हैं वीर में, हमें कई बार चमत्कार लगता है मुझे। ऐसे कई पुरुष जिनके 10-10 साल से शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे, यही एक कारण से, उनको मैंने 3 महीने लौंग का तेल दिया एक एक बूंद, अभी सब बाप बन गए। हाँ, मतलब ये है नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है ये लौंग, बहुत बढ़िया है ये लौंग। कफ में खांसी में कई जगह काम आती है, बुखार में भी काम आती है। और एक दो दवाएं ऐसी बताता हूं, जैसे ये लौंग है ना, ऐसी एक और दवा है अपने घर में, वो भी नपुंसकता को ठीक करती है, चूना। ये पान में जो हम चूना खाते हैं ना, ये चूना गेहूं के दाने के बराबर है, दही में मिला के किसी को भी खिलाओ, वीर में शुक्राणु बहुत बनते हैं, और गन्ने के रस में खिलाओगे तो और अच्छा परिणाम है इसका। चूना गेहूं के दाने के बराबर, गन्ने का रस आधा गिलास, बहुत अच्छी दवा है। माताएं भी इसको ले सकती, जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, ओवम का प्रॉब्लम है, उनको चूना खिलाओ गन्ने के रस में, बहुत बढ़िया। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।